नमस्कार, लाइव अभी तक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ खबरों की तरफ। सबसे पहली खबर वाराणसी से। वाराणसी में सम्मानित पत्रकार आफताब आलम के घर तोड़फोड़, देखें रिपोर्ट। वाराणसी में एक सम्मानित न्यूज चैनल के पत्रकार आफताब आलम व उनके परिजनों पर अवांछनीय तत्वों ने हमला कर दिया, जिसमें पीड़ित पत्रकार के भाई को गंभीर चोटें आई हैं। अवांछनीय तत्वों ने पत्रकार आफताब आलम के घर में घुसकर जबरदस्त तोड़फोड़ की, साथ ही अगल बगल में रहने वाले लोगों के साथ भी डंडों से मारपीट की। आपको बता दें कि पत्रकार अपने परिजनों के साथ सिंगरा थाने में पहुंच गए हैं और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फरुखाबाद में एक पुलिस चौकी इंचार्ज को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला फरुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में चौकी इंचार्ज को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि चौकी इंचार्ज की गंभीर हालत जहर खाने और शराब का सेवन करने से हुई है। वहीं अस्पताल के डॉक्टर चौकी इंचार्ज के बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और जिले के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि चौकी इंचार्ज साहब जिले के सराह चौकी इंचार्ज में तैनात हैं। और अब बात बिजनौर की। बिजनौर में 3 तलाक का मामला सामने आया है, देखिए रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार भले ही 3 तलाक को लेकर लाख दावे करे, लेकिन बिजनौर में इसकी स्थिति कुछ और है। इस कड़ी में जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली देहात की पुलिस ने पति द्वारा पत्नी को फोन पर 3 बार तलाक बोलकर तलाक ले लिया। आपको बता दें कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव बरूकी का रहने वाला गुलफाम गांव की एक लड़की तरन्नुम से प्यार करता था। लड़के के घर वालों ने गुलफाम की शादी हल्दौर थाना क्षेत्र के रहने वाली लड़की सल्तनत से तय कर दी। गुलफाम की शादी 15 जुलाई 2018 को सल्तनत के साथ हो गई। अचानक से गुलफाम की प्रेमिका तरन्नुम अपने प्रेमी के घर पहुंच गई और गुलफाम से निकाह करने की जिद पर अड़ गई। पुलिस ने तलाक के बाद प्रेमी और प्रेमिका का निकाह थाने में ही करा दिया। निकाह पढ़ने की प्रथा भी थाने में प्रभारी निरीक्षक के कमरे में हुई। बहरहाल पुलिस इस मामले में अनभिज्ञता जताते हुए कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। फैजल खान की रिपोर्ट। अब रुक करते हैं मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर में रुक रुक कर हो रही बेमौसम बारिश ने मचा दिया है हाहाकार। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही जबरदस्त बरसात ने शहर में जमकर तांडव मचाया है। कई घंटों से हो रही लगातार बारिश से शहर के गली मोहल्लों में पानी भरा है, बाजार भी पानी पानी हो गए हैं। शहर के मुख्य बाजारों की सड़कों पर कई फीट पानी भरने के बाद दुकानों में भी पानी भर गया है, जिससे आम जनजीवन पर खासा असर देखने को मिल रहा है। बारिश के साथ चल रही तेज हवाओं ने सर्दी की भी दस्तक दे डाली है। रुक रुक कर हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से जाम के हालात बन गए हैं। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस के लोगों ने आने जाने के लिए खास व्यवस्था का इंतजाम किया है। ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों की इस खास मुहिम की लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। अभी तक की खबरों में इतना ही। हमारे चैनल लाइव अभी तक से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।